नीतियों के खिलाफ जो सरकार मनमर्जी कराए जा रही है, अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अलावा राज्यपाल को ये ज्ञापन जाएगा। इसलिए जो भी सरकार कानून बनाती है उसके खिलाफ ये किसी से सलाह नहीं लेती है। अपने एसी में बैठ करके मनमर्जी से किसान बिल पास कर दिया। निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण क्या है? ये शिक्षा का निजीकरण, जो शिक्षा आ रही है वो हमारे सब किसान भाइयों, चाहे सरकार के लोग जो बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे, उनको पुरानी प्रथा लागू करने के लिए सरकार शिक्षा नीति ला रही है। ऐसे किसानों का बिल किसान विरोधी बिल है। ये जितने भी कालाबाजारी जो मुनाफाखोरी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो किसानों से बोला जा रहा था कि हम MSP से कम रेट पर नहीं देंगे, लेकिन मूंगफली के रेट आप देखिए 1875 रुपये मूंगफली के सरकारी रेट है, और आपको किसान मारा मारा घूम रहा है मंडियों में उसके क्या 1100-1200 में, और उसको वो भी लात मार के भगा दिया जाता है। ये क्या है? किसान सबके लिए है या किसके लिए बना रखी है? शिक्षा के लिए जो शिक्षा निजीकरण किया जा रहा है, वो मनमर्जी से जो स्कूल हैं अपनी फीस वसूल रहे हैं, और सभी किसान भाइयों, मजदूर और गरीब तक के लोगों को उनकी फीस माफ़ करना चाहिए। किसान ये आज हमारी 1100 मांगों का हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ आज हम लोग करम जोशी से जोरदार नारों के साथ शुरुआत करेंगे। जिंदाबाद।